नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 में लेसन 15 में हेलन केलर इस कहानी का अनुवाद करेंगे। और ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। इसमें एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो कि बचपन से ही न तो बोल सकती थी और न सुन सकती थी और न ही देख सकती थी, लेकिन फिर भी इसने स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। इट वाज द समर ऑफ 1880। समर यानी गर्मी का सीजन। सन 1880 में गर्मी की सीजन थी, गर्मी का समय था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा। अ हेल्दी मीन्स एक स्वस्थ बेबी गर्ल बच्ची वाज बॉर्न जन्म हुआ इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे में इन अलबामा। अलबामा के एक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बेबी का बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। हर पेरेंट्स उसके माता पिता लव्ड प्यार करते थे। हर डियरली मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड और नेम्ड नाम रखा हर उसका हेलन केलर और उसका नाम रखा हेलन केलर। वन डे एक दिन द बेबी फेल इल। द बेबी वह बच्ची फेल इल बीमार पड़ गई। हर फीवर स्टेड हाई। हर फीवर उसका बुखार स्टेड हाई बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। द पेरेंट्स माता पिता ने ट्राइड मीन्स कोशिश की, देयर बेस्ट अपनी सबसे ज़्यादा जो जितनी ज़्यादा कर सकते थे पूरी कोशिश की टू हेल्प हर उसकी मदद करने में गेट बेटर कि वह बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। दे वर डिसअपॉइंटेड वे निराश हुए। दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हताश। एंड सैड और कहा, उन्होंने निराश होकर कहा, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। देयर इज नथिंग मोर, अब हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मोर मीन्स ज़्यादा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। वी कैन डू, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। द बेबी मे नॉट लिव, बच्ची अब जिंदा नहीं है, बच्ची अब जीवित नहीं है। हेलन लिव्ड, हेलन जीवित थी। हेलन लिव्ड यानी हेलन जीवित थी। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। बट लेकिन सी वॉज नॉट द सेम, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। सेम मतलब जैसी पहले थी वैसी नहीं थी। आफ्टर हर इलनेस अपनी बीमारी के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, हर इलनेस बीमारी के बाद। समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड। हर मदर उसकी माँ ने सेड मीन्स कहा। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, समथिंग यानी कुछ, इज वेरी बहुत, रॉन्ग यानी गलत है, कुछ तो बहुत गलत हुआ है। एट लास्ट अंत में दे फाउंड, उन्होंने पता किया। दे मीन्स उन्होंने, फाउंड आउट मीन्स पता लगा लिया कि वाट वाज रॉन्ग। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, रॉन्ग मीन्स गलत, कि आखिर गलत क्या था। द चाइल्ड वाज अनएबल टू सी एंड हियर। द चाइल्ड यानी वह बच्ची वाज अनेबल, अनेबल मीन्स अयोग्य थी, असमर्थ थी, काय में, टू सी देखने में, एंड हियर और सुनने में। आगे देखिए, द बेबी ग्रीव अप मीन्स बड़ी हुई, वह बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। हर पेरेंट्स उसके माता पिता फेल्ट अनुभव करते थे, महसूस करते थे सॉरी यानी दुख फॉर हर उसके लिए। उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी रहते थे। थॉ हेलन कुड नॉट सी एंड हियर। थॉ मीन्स यद्यपि,
हालांकि हेलन कुड नॉट सी एंड हियर, हेलन सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सी वाज ए ब्रिलियंट लिटिल गर्ल, लेकिन फिर भी वह बच्ची कैसी थी, ब्राइट, ब्रिलियंट नहीं, ब्राइट लिटिल गर्ल, सी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, वह एक बहुत ही बुद्धिमान तेज दिमाग की लड़की थी। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलन कुड नॉट लर्न, कुड नॉट लर्न मतलब नहीं सीख सकेगी, ये नहीं सीख सकती थी एनीथिंग, कुछ भी, बट लेकिन हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी जो माँ थी डिड नॉट एग्री, वे सहमत नहीं थी, वो इस बात से राजी नहीं थी। she always thought, means सोचती थी, हाउ दे कुड टीच हर, हाउ मीन्स कैसे, दे मीन्स वे, कुड मीन्स कुड टीच मीन्स सिखा सकें, हर मीन्स उसको, उसको कैसे सिखाएं। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जो थी वो तेजी से बड़ी होने लगी, और हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन और ज़्यादा जंगली व्यवहार करने लगी, यानी गुस्सा, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर, शी वह वुड नॉट लेट एनी वन, एनी वन मतलब किसी को भी, वुड नॉट लेट कुछ भी करने नहीं देती थी, एनी थिंग कोई कुछ भी फॉर हर अपने लिए, वह किसी भी व्यक्ति को अपने लिए कुछ भी नहीं करने देती थी, एनी थिंग मीन्स कुछ भी, और एनी वन मीन्स किसी को भी, वुड नॉट लेट करने देती, वुड नॉट लेट डू करने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, हर क्लॉथ्स उसके कपड़े, बर मीन्स थे, ऑलवेज मीन्स सदैव, डर्टी मीन्स गंदे, उसके कपड़े सदैव गंदे थे। शी वाज ऑफन एंग्री, वह अक्सर नाराज रहती थी। समटाइम्स कभी कभी, सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, समटाइम्स कभी कभी, शी इवन ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी भी वो फर्श पर लेट जाती थी, एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैर किक्ड करती थी, यानी पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर, उसके माता पिता ने सून मीन्स शीघ्र ही, जल्दी ही, फाउंड मीन्स पा लिया, अ टीचर एक अध्यापक फॉर हर उसके लिए, उसके माता पिता को उसके लिए एक टीचर मिल गया, उस टीचर का नाम था मिस सुलीवन, अ यंग टीचर, मिस सुलीवन या यंग टीचर, ए यंग टीचर प्रोमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलीवन जो थी उन्होंने प्रोमिस्ड किया, वचन दिया, वायदा किया, क्या, टू हेल्प हेलन केलर, हेलन केलर की हेल्प करने की, काय की हेल्प करेंगे हेलन केलर की, टू सी द वर्ल्ड, इस दुनिया को देखने में, हेलन केलर इस दुनिया को देखेगी, ये ऐसा करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया मिस सुलीवन ने। मिस सुलीवन गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलीवन ने गेव मीन्स दी हेलन को ए डॉल, एक गुड़िया। शी स्पेल्ट द वर्ड डॉल, और उन्होंने एक शब्द स्पेल्ट किया, लिखा, कैसे, डी ओ डबल एल, इस तरह से, और काय पे लिखा, विद हर फिंगर ऑन हेलन्स एल हैंड, अपनी उंगली से, विद मीन्स से, हर फिंगर मीन्स अपनी उंगली से, ऑन हर हैंड्स, सॉरी ऑन हेलन्स हैंड, हेलन के हाथ पर अपनी उंगली से, मिस सुलीवन ने, उनकी जो मैडम थी, टीचर थी, उन्होंने लिखा डॉल, डी ओ डबल एल, उंगलियों से लिखा। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, शी मीन्स उन्होंने, मैडम ने, मेड मीन्स बनाए, द लेटर मीन्स अक्षर, विद स्पेशल हैंड,
विशेष हैंड साइन से, मतलब विशेष चिन्हों से, अलग उनके लिखने के जो प्रतीक थे वो अलग थे। हेलन कॉपीड हर टीचर, हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी किया, कॉपी मतलब अनुसरण किया, उनकी नकल की, ठीक वैसे ही अपने उंगली से हाथ पर उसने डॉल लिखा एंड स्पेल्ट डॉल। बट लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाई कि व्हाट सी वाज डूइंग, लेकिन कि वो वह क्या कर रही थी। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल ए लोट ऑफ वर्ड्स, टीचर ने हेल्प की, मदद की हेलन की, किस चीज़ में करी, टू स्पेल ए लोट ऑफ वर्ड्स, ए लोट ऑफ वर्ड्स माने बहुत सारे शब्द स्पेल करने में, इस तरह से उंगली की सहायता से लिखने में स्पेशल साइन के द्वारा, ऐसे बहुत से शब्द जो थे वो हेलन को टीचर ने सिखाए बंडे एक दिन। द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर, टीचर ने हेलन का हाथ जो था, हर हैंड, हेलन का हाथ जो था वो पुट रखा इनटू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में, इनटू रनिंग वाटर बहते हुए पानी में रखा। सी स्पेल्ट और स्पेल्ट किया, यानी उस पर लिखा, क्या लिखा, WATER वाटर ये लिखा। हेलन अंडरस्टूड मीन्स समझ गई, हेलन समझ गई दैट कि वाटर मीन्ट, वाटर का मतलब क्या है, समथिंग बैट, समथिंग माने कोई चीज, कैसी, बैट, बैट मीन्स गीली हो, और रनिंग ओवर हैंड, हाथ के ऊपर से बह जाए, निकल जाए। शी अंडरस्टूड, वह समझ गई दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, शी अंडरस्टूड, वह समझ गई दैट की वर्ड्स यानी शब्द, वर मीन्स थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जरूरी थिंग्स इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ है तो वो क्या है, शब्द हैं। हेलन इस बात को समझ चुकी थी। बर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, ये जो बर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो टेल मीन्स बताते हैं या बताएंगे हर उसको, एवरीथिंग सब कुछ, सी वांटेड टू नो, वह जो कुछ भी जानना चाहती थी, शी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू नो मीन्स जानना। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, हेलन केलर कौन बनी, बिकेम हुई, कौन हुई, द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन, पहली गूंगी बहरी और अंधी यानी मूक बाधिर और अंधी, अंधा पर्सन व्यक्ति, कौन, टू अर्न कमाने वाला, अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री यानी बीए की डिग्री को हासिल करने वाली पहली मूक बाधिर पर्सन, पहली मूक बाधिर व्यक्ति, यानी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में सबसे पहली महिला जो थी वो हेलन केलर थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को सीखने का संकल्प कर लें तो हम सीख सकते हैं। तो अब आगे ये हेलन केलर के चैप्टर के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें आपकी हेल्प के लिए जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं वो आपको हम हर वीडियो में इस तरह से शेयर करते हैं स्क्रॉल करके, और आप पीडीएफ के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे पा सकते हैं। इसमें सीक्वेंस से, क्रम से सारे मीनिंग लिखे हुए हैं। बच्चों, मीनिंग और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और एक्सरसाइज, इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, आप तभी अच्छे से
इस बुक को तैयार कर सकते हैं। इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसको नोट करें। कोई भी मीनिंग छूटा नहीं होगा, जितने भी टिपिकल वर्ड होंगे वो, और जो टिपिकल नहीं होंगे उनकी भी हिंदी लिखी हुई है सीक्वेंस से। आप इसको कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद आप आराम से स्वयं से इसकी रीडिंग करते हुए हिंदी बना लेंगे आप, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की मदद के। अगली वीडियो आपको कॉम्प्रेंशन और इस बुक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसकी मिलेगी शीघ्र ही। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी इतनी ही आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ने में हेल्प मिल सके।